ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो आज कलकत्ता में है डे टू, दूसरा दिन है आज और हम लोग जा रहे हैं घूमने फिर से। और आज का लुक है ये ब्लैक जीन्स एंड ये टॉप। एंड जल्दी जल्दी मैं इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इंट्रो करने का टाइम मिलता नहीं है और इसी से ब्लॉग जो है बोरिंग स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम सोचे कर लें। और कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। अभी जा रहे हैं, एक दो फोटो ले लेते हैं हस्बैंड के साथ क्योंकि वीडियो में तो वो आएंगे नहीं, सो इसलिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और कैसा लग रहा है ब्लॉग वो भी बताइएगा और हम कैसे लग रहे हैं वो भी। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग बन रही है। गाइज अभी बैठे हैं वेटिंग एरिया में, ओला को बुक किए हैं बट अभी तक वो आए नहीं, शायद आ गए। बहुत टाइम से बैठे हैं हम लोग, 15-20 मिनट से। चलिए आ गए हैं गाड़ी, अब निकलते हैं यहाँ से और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हमने आपने देखा होगा बिरला मंदिर जा रहे हैं, तो चलिए घूमते हैं वहाँ, आज देखते हैं कैसा है। अच्छा हाँ हाँ, तो गाइज हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ बिरला मंदिर और यहाँ मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, और यहाँ एक ऐसा वाकया हुआ ना कि क्या बताएं। और गाइज बैकग्राउंड में हल्ला गुल्ला आएगा बिकॉज हम ट्रेन में हैं, सो उसे इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे क्या हुआ ना, एक फॉरेन से आए हुए थे तो उनसे मतलब क्या हुआ देखिएगा, आगे ब्लॉग में पता चलेगा आप लोग को। पोपट हो गया था मेरा, हंसी आ रहा है अभी भी सोच के। तो चलिए देखिए ब्लॉग को। कहाँ से आगे से
सो गाइज हम लोग आए थे बिरला मंदिर में, बट अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, सो हम लोग कुछ तो ले नहीं पाए, बट फिर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून भी मिला हम लोग गए तो, बहुत सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब अगर आप बोल सकते हो ना तो अगर आपको सुकून चाहिए तो यहाँ आ सकते हो। बहुत सुंदर मंदिर है, हद से ज़्यादा वाला सुंदर जो मंदिर होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच्ची, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं, फ़ोटोज़ भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, तो देखिए बैक कैमरे से दिखा रहे हैं। चलिए ब्लॉग भी बने रहिए और फोटोज ऐड कर देंगे जो भी है। और यहाँ मेरे हस्बैंड फ़ोटो ले रहे हैं किसी का, वो लोग फॉरेन से आए हुए हैं, उनका फ़ोटोज़ है। सेल्फी सेल्फी। आप लोग कहाँ से हैं? जर्मनी। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और पता है मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। रीजन ये है, देख सकते हैं बहुत अच्छा कारीगरी किया गया यहाँ का। और पहले हंसने का रीजन बता देते हैं, जो अभी आप लोग देखें कि जो फॉरेन बोलते हैं ना, हाँ फॉरेनर थे, तो हम उनसे ना, मेरे को इंग्लिश में उनसे बात करना चाहिए, तो हम उनसे जाके पूछ रहे हैं आप लोग कहाँ से हैं। वो लोग ऐसे मुँह देख रहे हैं, मतलब अजीब मेरे साथ पोपट हो जाता है। बट बहुत सुंदर मंदिर लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बाहर से दिखा दिए, बहुत अच्छा है। आपको घूमना है, अंदर दर्शन करना है, अंदर आके देखिए, मूर्ति इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, एकदम आप क्या बोले, एकदम मन भा जाता है इस तरीके से है। तो ज़रूर एक बार आके ट्राई करिए, बिरला जो मंदिर है बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए, देखते हैं आप कहाँ जाते हैं। हम लोग फिर कैब, मतलब कैब बुक किए थे, तो वो कैब वाले आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं अब कहीं और। सो गाइज देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है बिरला मंदिर। हम लोग जा रहे थे कार में थे, तो सोचे एक बार और कैप्चर कर ले, बहुत खूबसूरत लग रहा था और जाने का भी मन नहीं कर रहा था, बट हम लोग के पास टाइम बहुत कम था, बहुत जगह घूमना भी था, तो इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गए और अब दूसरे जगह जा रहे थे। और जहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ का बिल्कुल प्लान नहीं था कि जाना है, फिर भी एक होता है ना, अगर कहीं जाना हो तो प्लान खुद ही बन जाता है। कहीं अगर धाम पे भगवान जी के पास जाना हो तो भगवान जी खुद ही बुला लेते हैं, वही बात होता है। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे कालीघाट मंदिर जो है वहाँ पे, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, बट यहाँ कुछ मिल गए हैं पंडित जी लोग। आप लोगों को पता है कहीं भी जाओ तो ये तो होता ही है, और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे, तो वहीं लोग सब यहाँ करवाएं प्रसाद वगैरह जो भी होता है वो दिलवा के, और उसके बाद अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, बट जितना हो पाया हम कैप्चर किए हैं, आप लोग देखना वहाँ जाके। और ये पेड़ा जो है ना, ये प्रसाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, टेस्टी जो लगता है वैसा एकदम लग रहा था, प्रसाद है। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। सो गाइज प्रसाद वगैरह लेके जब हम मंदिर के अंदर गए तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं दर्शन करते टाइम। तो पंडित जी ने बोला कि VIP से दर्शन कर सकते हैं आप लोग, तो उन्होंने 500 रुपये भी लिए, और बट तुरंत हो भी गया, हम लोग 10-15 मिनट में दर्शन करके और निकल गए, क्योंकि जैसा कि पता है हम लोग के पास टाइम नहीं था, हम लोग ज़्यादा दिन के लिए कोलकाता आए नहीं थे, इसलिए पूरा दिन नहीं दे सकते थे, जल्दी जल्दी सब कुछ करके और जाना था वापस, तो इसलिए हम लोग वहाँ से फिर दर्शन करके और निकल गए। और यहाँ बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छा भी लगा, और
एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे आगे, अगर किसी को उस बारे में कुछ पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग यहाँ से निकले, देख सकते हैं प्रसाद वगैरह का कितना अच्छा अच्छा मतलब लग रहा था, ये सब देख के ना एक अलग ही अच्छा सा वाइब आता है। तो देखिए ब्लॉग को एंड तक, बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ शेयर किए हैं आप लोग के साथ, जो भी वहाँ हुआ जितना कैप्चर हो पाया वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो बाहर निकलने पे इस तरीके से सब कुछ यहाँ मिल रहा था, जो भी धग्गी वगैरह होता है जिसको जो चढ़ाना हो वो सब यहाँ मिल रहा था। बहुत ज़्यादा धूप भी थी, बहुत कड़ी धूप, गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि मतलब क्या बताएं हम, बहुत गर्मी लग रहा था। फिर इतना ज़्यादा गर्मी था कि यहाँ हम लोग नींबू पानी पिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और प्यास इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि मतलब एक होता ना मुँह सूख जा रहा था उस तरीके से, तो इसलिए हम दोनों जन नींबू पानी पी लिए और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे, फिर से कैब बुक किए और देखिएगा हम लोग कहाँ गए। सो गाइज काली घाट से हम लोग कहीं और जा रहे हैं, बट काली घाट के बारे में कुछ बातें करनी है आप लोगों से, कुछ अजीब हुआ वहाँ पे। इको पार्क बोले क्या? इको 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 गाइज़ हम लोग जब गए थे कालीघाट मंदिर तो वहाँ जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, वरना ठीक है तो वहाँ जाने का बिल्कुल प्लान नहीं था। हम लोग घर से मतलब होटल से निकले तो फिर हुआ कि बस जाना है बिरला मंदिर, और बिरला मंदिर के बाद हम लोग को आना था इको पार्क जहाँ अभी हम लोग हैं, अभी जा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि मतलब एक होता है ना, सच में ये माना गया है कि अगर जब भी कोई भी भगवान कोई भी मंदिर हो अगर बुलावा आए तो कैसे भी मन उस तरफ चला ही जाता है। तो बिल्कुल प्लान नहीं था, वरना हम सूट पहन के आते हैं मंदिर जाने के लिए, ऐसे तो मैं ऐसे जींस टॉप पहन लिए हैं, और मन में पता नहीं क्या आया कि हम लोग चले गए कालीघाट मंदिर, वहाँ गए दर्शन किए। वैसे हम लोग खा भी लिए थे, अगर पता होता पहले कि जाना है तो खाते भी नहीं, बट कोई नहीं, बस दर्शन हो गया। और एक अजीब सा पता नहीं क्यों हम जो वहाँ प्रणाम किए ना तो ऐसा कुछ लगा जो जैसे अदृश्य शक्ति कुछ खींचा इस तरीके से, उस समय से मेरे माइंड में चल रहा है कि क्या बात है, ऐसा क्या हुआ। फिर हम होटल जाएंगे तो यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, क्या पता कोई रहस्य हो कोई शक्ति हो ऐसा, तो इसलिए आप लोगों से बातें करनी थी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि आए हैं इको पार्क में तो यहाँ का दूसरा ब्लॉग आएगा। और मेरे हस्बैंड को देखिए जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते मेरे, जिनको मेरे वीडियो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इग्नोर करते रहते हैं। कोई बात नहीं, कभी तो टाइम आएगा जब इनको भी इंटरेस्ट आएगा, आएगा ना इंटरेस्ट नहीं आएगा ऐसे ऐसे करें। तो चलिए इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो इको पार्क का आएगा तो वो भी देखिएगा। बाय।